हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है चैप्टर 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कहते हैं, उस चैप्टर से हम आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th में है। क्वेश्चन क्या है समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है एड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए। एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है, ठीक है, कोई फंक्शन ग्रुप भी हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों देखो ध्यान से, C2H4O2 है। अगर आप फोकस करेंगे समझेंगे ध्यान से ना, तो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाएगी, ठीक है। C2H4O2 रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल से, पहले चीज देखिए। जैसा क्वेश्चन जैसे ही पढ़ाए आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करें। यानी क्या लिखा है, C2H4O2 रिएक्ट विद सोडियम मेटल और एन इवॉल्व्स ए गैस बी। इसमें गैस बी निकल रही है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जो कि गैस बी दे रहा है। यहाँ पर एक गैस बी प्राप्त हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या चीज है, ये ए क्या है पहले ये बताइए। तो आपको बताएं, जहां पर हाइड्रोजन कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन होते हैं वहां पर क्या संभावना होती है, आप बता सकते हैं। वहां पर C OO की संभावना होती है, तो यानी C OH की संभावना है। यानी ये दो कार्बन है, क्योंकि दूर से लग रहा है CH3 COOH है। देखिए ध्यान से, C2H4O2 है, तो ये एसिटिक एसिड है। ये क्या चीज है, एसिटिक एसिड का आईपीएसी नेम आपको पता है, एथेनोइक एसिड होता है। कैसे पता, एक कार्बन दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से मिले, एथेन प्लस ओइक, एथेनोइक एसिड है ये। और एथेनोइक एसिड अगर सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा तो समझिए सोडियम इज मोर रिएक्टिव, इसीलिए वो एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ये OH वाला बॉन्ड टूट जाएगा यहां से, और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H+ ion निकलेगा। ये एसिड है, H+ ion देता है पानी में, और सोडियम डाला, सोडियम में हाइड्रोजन गैस निकाल दी, यहां से हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है, H2। तो यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो निकलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बना, आपने ध्यान से देखिए, प्लस बना आपका। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक हाइड्रोजन निकलेगा और बचा हुआ Na अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और Na+ के रूप में यहाँ पर आ जाएगा, बन जाएगा CH3COONa, सोडियम एसीटेट। ये साल्ट बन गया आपका, ये हमारा साल्ट बन गया, ये बेसिक साल्ट है। तो एक हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, H2 को जस्ट हाफ इसका बन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन डाइएटॉमिक है, इसकी हाइड्रोजन हमेशा डाइएटॉमिक के फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हमने एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन लिखेंगे H2 का आधा। अगर आप ध्यान से देखें इसकी ओपन स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड की, तो CH3COO और यहां पर क्या है, देखिए ध्यान से H जुड़ा हुआ है, ये वाला H। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3COO। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास ये देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और H+ ion चला जाएगा। इस तरीके से ये आयनाइजेशन होता है। एसिटिक एसिड जब पानी में डालोगे, किसी भी एसिड को पानी में डालिए, सिर को डालो तो क्या टूटेगा, H+ + CH-, ऐसे एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड को अगर पानी में डालेंगे दो भागों में टूट जाएगा, H+ ion लेगा, एसिटेट आयन मिलेंगे। अब सोडियम डाला है, तो सोडियम क्या करता, हाईली रिएक्टिव है सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपने बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। आपको पता है सोडियम का 11 होता है। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए त्याग दिया, अब वो इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा है ये वाला इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा और H+ ion इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाएगी, हाइड्रोजन बना देंगे। और ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन किस रूप में रहेगा, H2 का आधा, एक ही हाइड्रोजन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन रहता है एटॉमिक फॉर्म, वो डायटॉमिक फॉर्म में। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब सोडियम Na+ और ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, सोडियम एसीटेट। ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद क्या कह रहा है। तो एक बात तो क्लियर है, ये बच्चों मैकेनिज्म समझ में आ गया आपकी।
अब इसमें क्या करना है आपको, रिएक्शन क्या करानी है जो आपको बता रही है, समझ में आ चुका है, दोबारा से समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जो रिएक्शन कर रहा सोडियम से, एक गैस भी बनाता है, वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ए कौन है? ए कौन निकल के आ गया? ए तुम्हारा निकल के आ गया एसिटिक एसिड, ये तो क्लियर हो गया। और सोडियम से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट बना रहा है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये हाइड्रोजन को डायटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस बी, यहां पर क्या हो गया? एसिटिक एसिड हो गया ए। अब आगे क्वेश्चन क्या है? ए आल्सो रिएक्ट विद एथेनॉल। अरे भाई एथेनॉल एस्टेरिफिकेशन, ए कौन है? एसिटिक एसिड, ये ए किससे रिएक्शन कर रहा है? एथेनॉल से रिएक्शन कर रहा है। किसकी प्रेजेंस में कर रहा है? कंसंट्रेटेड H2SO4, ये एथेनॉल है C2H5OH। अगर हम इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे कैटलिस्ट के रूप में, H+ आयन देता है, तो ये एसिटिक एसिड का OH बॉन्ड टूटेगा, अल्कोहल का H बॉन्ड टूट करके वाटर निकल जाएगा और ये O का ये हिस्सा इससे जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3COC2H5। ध्यान से देखिए H2O निकल गया, किसकी प्रेजेंस में? H+ आयन कैटलिस्ट है, यहाँ पर ये बन गया इथाइल एसीटेट बन गया। ये आपका क्या कहलाता है? ईस्टर कहलाता, क्या कहलाता है? ईस्टर। और बेटा फॉर्म स्वीट स्मेलिंग, इसकी स्मेल स्वीट होती है और सबस्टेंस सी प्राप्त होता है जिसका यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स में करते हैं, वो यही कंपाउंड है सी, जिसका यूज जब स्वीट स्मेलिंग है तो इसका इस्तेमाल परफ्यूम में भी यूज किया जाता है एज ए परफ्यूम। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए बी एंड सी। बच्चों ए बी सी क्या होंगे? तो ए हो गया तुम्हारा एसिटिक एसिड, बी हो गया हाइड्रोजन गैस और सी हो गया इथाइल एसीटेट। बच्चों इसका आईपीसी नेम क्या है पूछा जा सकता है? इथाइल एसीटेट का आईपीसी नेम है इथाइल एथेनोएट। वोल्ट लगाते हैं, कैसे? नंबरिंग यहां से होगी, एक दो, ये बीच में ऑक्सीजन आ गया, ये हो गया इथाइल और दो कार्बन को एथेन और इसमें ओएट सफिक्स लगता है, ओएट लगता है एसिड में, ईस्टर लगता है ओएट, इथाइल एथेनोएट इसका आईपीएसी नेम हो गया। तो इस तरीके से एबीसी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए ध्यान से, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड। आपकी एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो बच्चों एसिटिक एसिड लिख दीजिए। बच्चों एसिटिक एसिड क्या देता है? H+ आयन देता है, सोडियम कार्बोनेट बेस है, बोलो ये क्या है? बेस है। तो बेस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखना ध्यान से, Na+ H+ आयन हटेगा, ये एसिड है, H+ आयन हटेगा, Na यहां लगेगा, क्या बन जाएगा? CH3CONa। कितने सोडियम है यहाँ पर? दो सोडियम है, तो इसलिए यहाँ पर दो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, समझ में आ गया? तो अब दो सोडियम लगे यहाँ पर, देखिए दो H+ आयन इसके साथ रिएक्शन करके इससे ऑक्सीजन ले लेंगे, H2O बन जाएगा, कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस, समझ में आ गया? यहाँ कौन सी गैस निकली? CO2 गैस। तो एसिटिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सोडियम एसीटेट बनेगा और CO2 गैस भी निकलेगी, और CO2 गैस जैसे लिबरेट होगी तो समझ में आएगा बबल्स टाइप के बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है पोटेशियम के साथ रिएक्शन, किसकी? एसिटिक एसिड की। बच्चों एसिटिक एसिड क्या देता है जल्दी बताइए? पोटेशियम रिएक्टिव है, पोटेशियम जो H+ आयन को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बनेगा CH3COOK+। K की वैलेंसी भी सोडियम के साथ है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं, समझ में आया? बैलेंस करने के दो का गुणा पूरे कर दीजिए, दो हट जाएंगे, समझ में आ गया? इस तरीके से ये साल्ट बन गया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन सोडा लाइम के साथ। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 11th 12th किसी भी क्लास में जाइए हर जगह पूछी जाती है कि ऐसा क्या होता है जब कि एसिटिक एसिड सोडा लाइम से रिएक्शन करता है। बच्चों सुनो,
सोडा हो गया तुम्हारा ये, लाइम हो गया CaO, सोडा को कहते हैं NaOH और लाइम को कहते हैं CaO। जहां तुम्हें सोडा लाइम मिल जाए, तुम्हें पता है शॉर्टकट तरीका क्या करना है, तुरंत तुम CO2 गायब कर देना और H से चिपका देना, बन जाएगा BFAN। समझ में आ गया? जहां तुम्हें सोडा लाइम दिख जाए और COOH दिख जाए तो COOH का COO गायब कर देना, बस CO2 गैस निकल गई। हां CO2 गैस निकल गई और यहां पर क्या हो गया, H यहां आ जाएगा, मीथेन गैस बन जाएगी। दिस इज ए प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, मीथेन इज एल्केन। अगर तुम्हें एसिड से कभी एल्केन बनाना हो, एसिड से एल्केन, तो क्या डाल दीजिए, सोडा लाइम डाल दीजिए। सोडा लाइम क्या कर देता है, डीकार्बोक्साइलेशन। इस रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्साइलेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डीकार्बोक्साइलेशन। डीकार्बोक्साइलेशन जानते क्या होता है, कार्बोक्जिलिक एसिड का हटना, COOH का हटना, उसकी जगह पर H का आ जाना, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्साइलेशन। डी माने निकलना, कार्बोक्जिलिक ग्रुप का निकलना, ये सोडा लाइम डाल दिया गया है। तो एसिड में अगर सोडा लाइम डालो तो क्या बनेगा, मीथेन एल्केन बन गया, बोलो। तो दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। फोर्थ आ जाइए, एथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2O4 से कराएंगे एथेनोइक एसिड के साथ, जो कि हमने पहले बताई थी। ये देख लीजिए फोर्थ रिएक्शन का कनेक्शन, ये देखिए फोर्थ रिएक्शन आपकी हो गई, ये देखिए वही चीज है। उसमें क्या कह रहा है, एसिडिक एसिड एथेनोइक एसिड की रिएक्शन एथेनॉल से कराइए, H2O4 की प्रेजेंस में कराइए, H2O4 प्लस आयन देता है, वो क्या कर देता है, वो एसिडिक एसिड के ये वाला CO क्लेविज कर देगा, यहां बॉन्ड तोड़ेगा, OH के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, वाटर निकलेगा और ईस्टर बनेगा, जिसकी स्मेल स्वीट स्मेल होती है, जिसका इस्तेमाल परफ्यूम के रूप में किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो अगर आप ध्यान से देखिए पहला क्या था, क्या होता है जब एथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है, तो एथेनोइक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगी तो एसिड का काम है इस प्लस आयन देना, इस प्लस आयन देगा, Na+ लग गया यहां पर और दो H इसमें से वो ले लेंगे, H2 बन जाएगा, CO2 गैस लिबरेट होगी। और दूसरा क्वेश्चन था पोटेशियम से करा, भाई सोडियम पोटेशियम कैसे मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, जब एसिडिक एसिड के साथ पोटेशियम या सोडियम की रिएक्शन, हम कह रहे हैं यहां पे सोडियम भी ले सकते हो, सोडियम और पोटेशियम रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करो, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे, H+ आयन टूटे, H+ आयन निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साल्ट बन जाएगा, पोटेशियम और सोडियम साल्ट बन जाएगा। थर्ड रिएक्शन थी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन, तो सुन लो एसिडिक एसिड जब सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करती है तो मैंने क्या कहा था, डीकार्बोक्साइलेशन होता है, COO जी गायब हो जाएगा, मीथेन बन जाएगा। दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बनाने की मेथड है, सबसे बेस्ट। अगर तुमसे कहते हैं एथेन बनाओ C2H6, तो यहाँ पर एक कार्बन बना दो CH3CH2COOH ले लो, बोलो। अगर यहाँ पर अगर आपसे कहा एथेन बनाओ तो CH3CH2COOH इसका नाम बताओ, IPAC 1 2 3, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन अगर सोडा लाइम से कराओ तो बच्चों क्या बनेगा, ये CO2 गायब हो जाएगा, HCl बन जाएगा, क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एथेन, C2H6 बन गया। तो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है बच्चों, और बाकी तुमने आपको बता दिया है एस्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन को याद रखना, इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, एस्टर का बनना एस्टेरिफिकेशन कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। ये ऐसा टॉपिक है एग्जाम में जरूर आता है एस्टेरिफिकेशन। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये हमारे दो टॉपिक थे बच्चों, कैसा लगा कमेंट्स करिएगा, ठीक है। और डेली हमारे वीडियोस देने के लिए आप लोग क्या करें, थोड़ा लाइक भी करिएगा और बच्चों के साथ में शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच।